नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तलाक। जब अनीता और तपेश की शादी हुई थी तो अनीता की उम्र महज 22 साल की थी और तपेश की उम्र 30 साल की थी। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों के बीच सब अच्छा था। दिन में कितने भी झगड़े हों लेकिन रात में तपेश को करीब पाता देख वो दोनों भूलकर एक हो जाते हैं। पहले तो मैंने घर वालों को मना किया क्योंकि तपेश की उम्र ज्यादा थी, पर घर वाले नहीं माने। समय के साथ साथ रिश्तों में खटास आती है, जो मेरे साथ भी होने लगी थी। अब क्योंकि मैं सिर्फ 22 की थी तो खाली समय होने के बाद मैं अपनी सहेलियों से बात करती और जोर जोर से हंसती थी। ये बात मेरी सास को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने बोला, बेटा नई नई शादी हुई है, ससुर हैं, जेठ हैं, उनका लिहाज किया करो। लेकिन मैं आलस से मजबूर थी। समय के साथ साथ मेरी सास मुझसे नफरत करने लगी और मुझे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी। शादी के एक साल बाद तपिश को काम से विदेश जाना हुआ, जिसके लिए मैंने भी बोला मैं भी तुम्हारे साथ विदेश जाना चाहती हूँ। तो तपिश ने कहा कि मात्र 2 महीने के लिए जाना है, कंपनी सिर्फ मेरा पैसा देगी, लेकिन मुझे तो बस जाना था। इसी बात को लेकर हम दोनों में अनबन हो गई और मैं अपने मैके आ गई। फिर रोज लड़ाई हमारी इसी बात पर होती कि मुझे भी साथ जाना है, और वो बोलते घर पर माँ पापा अकेले हैं, भैया की तबीयत खराब है, तुम यहाँ रहो। अनीता ने कहा कि परिवार से शादी नहीं हुई, तुमसे हुई है। काफी बहस के बाद तपिश ने बोला, जाओ करो अपने मन का, बनवा लो पासपोर्ट। इधर उन्होंने कहा और मैं निकल ली पासपोर्ट बनवाने। अब जब पासपोर्ट बना तो ये और गुस्सा हो गए और बोलने लगे, तुम सिर्फ अपने मन की करती हो। मैंने बोला, हाँ मुझे कुछ और करने के लिए किसी की ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। बात आगे बढ़ी और सास तक पहुंची तो उन्होंने भी यही बोला, तुम अभी चली जाओगी तो मैं अकेली रह जाऊंगी, सिर्फ 2 महीने की बात है, उसके बाद मैं इस चल पे रुकती हूँ कि ये 2 महीने मैं अपने मैके रहूंगी। उसके बाद तपिश विदेश चले जाते हैं और 2 महीने बाद वापस आते हैं, लेकिन वो मुझे विदा कराने नहीं आते। हमने जब फोन किया तो उधर से जवाब आता है, शादी की जाती है एक परिवार आसानी से चले, सहयोग से चले, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। जब ये बात मेरे घर वालों को पता चली तो मेरे पापा और माँ कॉल करने लगे। मैं भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करना चाहती थी, तो मैंने भी मना कर दिया कि मैं तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम मुझे लेने नहीं आते। वो तो नहीं आया और उसने रिश्ता तोड़ने के लिए पेपर भेज दिया। मैंने भी कोई समझौता नहीं किया और तलाक दे दिया। 22 में शादी हुई और 23 में मेरा तलाक हो गया। घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी थी। आज मेरी उम्र 30 की है। 25 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया, लेकिन अब असली समस्या आने लगी। 25 की उम्र में मुझे 45 और 40 साल के पुरुष मिलते, या तो उनकी पत्नी मर चुकी थी या फिर कोई तलाकशुदा था। लेकिन अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे पे एक ठप्पा लगा है दूसरी शादी का। हवा में लिए फैसले अक्सर गलत होते हैं। जब मैं अकेली होती हूँ तो ये सोचती हूँ, काश बाहर जाने की जिद ना की होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। तपेश की दूसरी शादी हो गई, एक बेटी भी है, लेकिन मेरी जिंदगी कई साल पीछे चली गई और भविष्य भी अंधकार में है। मेरी 3 बहनें हैं, उस समय सबने मेरा साथ दिया था, लेकिन आज सिर्फ मुंह पर भोले बन का रिश्ता है। कोई भी सपोर्ट नहीं है, ना बहनों से ना माँ बाप से। आजकल की लड़कियां जिंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती हैं। तलाक लेना या शादी तोड़ना एक बहुत ही आम बात समझती हैं, क्योंकि फिल्मों और सीरियल में यही दिखाया जाता है। बिना पुरुष की सपोर्ट के और प्रोटेक्ट की लड़कियां कितनी भी काबिल हो जाएं, मन में एक डर हमेशा बना रहता है। लेकिन कोई पुरुष आपके पीछे है तो वो डर मन में नहीं आता। ये बात अधिकतर महिला नहीं बोलेंगी क्योंकि इससे उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आज की लड़कियों से मैं ये बोलूंगा कि कुछ भी हो जाए, कभी भी छोटी छोटी बातों को आधार बनाकर तलाक का फैसला मत लेना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपको और नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।